हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड रांची मासिक जांच परीक्षा कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र माह नवंबर का आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें, जिसका पहला प्रश्न है जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है मनुष्य का आर्थिक कार्य, सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। दी सरकार का गठन। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, गॉटफ्राइड एकेनवॉल। बहुवचन शब्द में सांख्यिकी का क्या तात्पर्य होता है, अर्थ होता है। तो इनमें से सभी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, सी ऑप्शन। छठवा है, निम्नलिखित में से चर एक उदाहरण है, एक बेंच की लंबाई, डी ऑप्शन। प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है, इनमें से सभी, डी ऑप्शन। इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, तो बी राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन इनमें से सभी आंसर होगा। उसके बाद 10th है, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है, टेलीफोन सर्वेक्षण, ऑप्शन सी। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अति लघु उत्तरी प्रश्न। पहला, वितरण से क्या समझते हैं, तो वितरण से आशय उत्पन्न उत्पादन के साधनों के बीच आय वितरण से विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम क्या है, उत्पादन है। अतः उत्पादन में से उत्पत्ति के प्रत्येक साधन के पारिश्रमिक का निर्धारण करना अति आवश्यक है, जो साधनों के बीच आय वितरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी गणना कैसे किया जाए, ब्याज लगान मजदूरी लाभ का निर्धारण किस प्रकार हो। आंकड़ा किसे कहते हैं, आंकड़ा या डाटा क्या होता है, गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़ा या डेटा कहते हैं। आंकड़ा मापे जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के पश्चात आंकड़ों को ग्राफ या छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संचरित प्रश्न क्या होता है, संचरित साक्षात्कार एक प्रकार का व्यक्तिगत साक्षात्कार है, जिसमें साक्षात्कर्ता एक निश्चित प्रारूप का प्रयोग होता है, जिसमें पहले प्रश्न तैयार किया जाता है। यह रिकॉर्डिंग की अत्यधिक व्यवस्थित तकनीकों का उपयोग करता है। यह सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रात्मक अनुसंधान की एक विधि है। यादृच्छिक प्रतिचयन क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, प्रतिचयन का शुद्धतम रूप है। इसमें समष्टि के प्रत्येक सदस्य चुने जाने का समान और ज्ञात संयोग चांसेस होता है। यादृच्छिक प्रतिदर्श के लिए यह आवश्यक है कि समष्टि के प्रत्येक मत को अभी ज्ञापित कर लिया जाए। उसके बाद अगला प्रश्न है, सार शब्दों में उत्तर दीजिए, प्रतिचयन त्रुटि क्या होता है और इसे कैसे दूर किया जाता है। तो दो कारण होते हैं, अनायास या संयोगिक त्रुटियां, जो त्रुटियां मुख्य समष्टि से प्रतिदर्श का चयन करते हुए अनायास या अनजाने में ही हो जाती है, उसे अनायास होने वाली संयोगजन्य त्रुटियां कही जाती है। उसके बाद प्रतिचयन अभिनीति पश्चपात की त्रुटियां, इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पॉज करके लिख सकते हैं, कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न लगे तो कमेंट्स पर मैसेज करें। उसके बाद अनुसंधान प्रतिदर्श का चयन करते हुए प्रायिकता प्रतिचयन विधि अथवा गैर प्रायिकता प्रतिचयन विधि को अपना सकता है, इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद आंकड़ों के संग्रह की तीन विधियों का वर्णन करना है। प्रथम, व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, यह वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वाले से प्रत्यय तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़ा एकत्रित करता है। उपयुक्तता यहाँ से आप देख सकते हैं, तीन या चार उपयुक्तता लिखेंगे। उसके बाद है बी, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच, यह विधि है जिसमें किसी समस्या से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रश्न के द्वारा पूछताछ कर आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। बड़े एवं विस्तृत क्षेत्र के लिए यह उपयुक्त होता है।
उसके बाद अगला है स्थानीय व्यक्तियों या नियुक्ति संवाददाता से, तो इस तरह से आपको लिखना है, इसमें भी आपको उपयुक्तता दर्शाना है। द्विमार्गी प्रश्न क्या होते हैं? द्विमार्गी प्रश्नों की रचना वे प्रश्न होते हैं जिनमें हाँ या नहीं के विकल्प होते, जैसे क्या आप ईंधन वाले गैस का प्रयोग करते हैं, हाँ या नहीं, तो इस तरह से आपको लिखना है। किन्हीं तीन आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। धन या आय कमाने के उद्देश्य से क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे पशुपालक का पशु पालन करता है, किसान खेती का कार्य करता है, महिला हॉस्पिटल में काम करता है। गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती है जो प्रत्यक्ष रूप से धन में से संबंधित नहीं होता, अन्य उद्देश्यों जैसे कि प्यार सहानुभूति कर्तव्य देश प्रेम के लिए की जाने वाली कार्य गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। उसके बाद है सेंसर ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों के आपको वर्णन करना है, उल्लेख करना है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का संयोजन करना इस संगठन का पहला एकीकृत बहुउद्देशीय सर्वेक्षण होता है। यहाँ पर इसके विषय टॉपिक्स आपको इस तरह से लिखना है। औद्योगिक समनकों का संग्रहण, फसलों का पूर्वमान सर्वेक्षण और मूल्य संग्रहण के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या होता है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण की तीन विशेषताओं का वर्णन करना है, तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बारे में परिभाषित करना है, तो परिभाषा को आपको 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना है या फिर अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिदर्श सर्वेक्षण की जो विशेषताएं, पहला होता है प्रतिनिधित्व, पर्याप्तता, पक्षपात रहित, तर्क आधारित, एक श्रेष्ठ निदर्शन वही हो सकते जिसका चयन सामान्य ज्ञान और तर्क दोनों के योग पर आधारित होता है। उसके बाद सांख्यिकी क्या कार्य करती है? तो सांख्यिकी का निम्नलिखित कार्य होता है, पहला पॉइंट में आपको तथ्यों की तुलना करना, इसके पॉइंट लिखना है, व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि, नीतियों के निर्धारण में सहायता, तो मैंने फर्स्ट बताया आपको तथ्यों की तुलना करना, नीतियों के निर्धारण में सहायता, व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि। उसके बाद है सांख्यिकी दूसरे विज्ञानों के नियमों की क्या करती है? जांच करती है, तथ्यों का अनुमान एवं पूर्वानुमान। तो इस तरह से आपको 5 पॉइंट लिख लेना है, मैंने 6-7 पॉइंट यहाँ पर बना दिए हैं, तो आपको जो पॉइंट अच्छा लगे उनको अपनी कॉपी पर लिख लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीयक का आंकड़ा से आप क्या समझते हैं? इसके स्रोत बताना है, तो द्वितीयक का आंकड़ा की पहले परिभाषा, वे आंकड़े जो किसी दूसरे के द्वारा पहले एकत्र किया जा चुका है, यदि कोई दूसरा विशेषज्ञ इन आंकड़ों का उपयोग करता है तो ये आंकड़े द्वितीयक का आंकड़े कहलाता है। दो प्रकार से इसका संकलन यानी कि इकट्ठा किया जाता है, प्राकाशिक स्रोत से, सरकारी स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन से। उसके बाद अप्रकाशित स्रोत से, इसके भी आपको पहले डेफिनेशन लिखना है और कुछ यहाँ पर सार बातों को लिखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।